कर्नाटक में राज्यपाल की तरफ से कुमारस्वामी सरकार को बहुमत साबित करने की समय सीमा खत्म। विधानसभा में विश्वास मत पर बहस जारी, राज्यपाल से मिल सकते हैं स्पीकर। सोनभद्र जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने रोका। धरने पर बैठी प्रियंका बोली, हम डरने वाले नहीं। मिर्जापुर में धारा 144 लागू। असम, बिहार और मेघालय में बाढ़ का कहर जारी, मरने वालों की संख्या 129 पहुंची। केरल में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग, पशु चोरी के आरोप में 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या, एक की हालत गंभीर। भू माफिया घोषित हुए सपा सांसद आजम खान ने इसे लोकसभा चुनाव में मिली जीत का इनाम बताया। अवैध तरीके से किसानों की जमीन हड़पने के मामले में एक हफ्ते में 23 FIR दर्ज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, भारत साल 2024 तक $5 trillion की अर्थव्यवस्था पिछली सरकारों की मजबूत नींव के कारण बनेगा। कर्नाटक के पोंजी स्कैम में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आईएमए के संस्थापक मंसूर खान को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा ये सम्मान मिलना बड़ी बात।